भारतीय रिसर्चर्स ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में पैरा पैराट्रेचिना नीला नामक चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की है। दुर्लभ प्रजाति पैरा पैराट्रेचिना से संबंधित नीले रंग के कारण इसका नाम पैरा पैराट्रेचिना नीला रखा गया है। यह एक छोटी चींटी है जिसकी कुल लंबाई है 2 mm से भी कम। इसका शरीर मुख्यतः धात्विक नीले रंग का है जो इस वंश की अन्य प्रजातियों से अलग है, और इसका सिर बड़ी आंखों के साथ सब ट्रायंगुलर है तथा माउथ पार्ट ट्रायंगुलर है जिसमें 5 दांत हैं। सामान्यतः कीटों में नीला रंग अक्सर जैविक फोटोनिक नैनोस्ट्रक्चर द्वारा निर्मित होता है। पंपा झील के पास लगभग 2500 वर्ष पुराने शैलाश्रय चित्रों की खोज की गई है जो हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक चट्टान पर स्थित नारंगी लाल रंग की पेंटिंग में एक कुबड़ वाले खड़े बैल को एक मोटे धारीदार बाघ द्वारा पकड़ा गया दिखाया गया है। यदि हम पंबा झील या पंबा सरोवर झील की बात करें तो यह कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में पंच सरोवर के नाम से जानी जाने वाली 5 पवित्र झीलों में से एक है, जिनके नाम है मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। बेंगलुरु में स्थित नेमहंस अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार को नेमहंस के साथ बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मबोंगोए को संयुक्त रूप से दिया गया है। यदि हम नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 में WHO द्वारा की गई थी, और यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अनुसंधान, शिक्षा और रोगी देखभाल के लिए नवीन दृष्टिकोणों का समर्थन करता है। पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को सुधारने में लगा हुआ है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान ने आर्मी में ब्रिगेडियर पद पर अल्पसंख्यक समुदाय की महिला को पदोन्नत किया। ये महिला पाक आर्मी में कार्यरत हेलेन मैरी रॉबर्ट्स हैं। इसी के साथ वे ब्रिगेडियर का पद हासिल करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बन गई हैं। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और पिछले 26 वर्षों से पाकिस्तानी सेना में सेवारत हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी महिला राजदूत रुचिरा कंबोज रिटायर हो गई हैं। अपनी 35 साल की सेवा में भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय एनवॉय के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे 1987 की सिविल सेवा बैच की ऑल इंडिया वुमेन टॉपर और 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। वे 2002 से 2005 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर थी, जहाँ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, मध्य पूर्व संकट आदि सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर काम किया, और 2 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत का पदभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक सामान्य शाखा ने लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। अब इस समिति की अध्यक्षता जस्टिस हीमा कोहली करेंगी। समिति में सीनियर वकील, जज और विधि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर सहित कुल 12 लोगों को जगह दी गई है। समिति का पुनर्गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के प्रति लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण विनियम 2013 के खंड 4 के तहत किया जाएगा। खंड 4 में जेंडर इश्यूज के प्रति जनता को जागरूक करने और सर्वोच्च अदालत परिसर में यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई किसी भी शिकायत का समाधान करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति के गठन का प्रावधान है। फूड रेगुलेटर FSSAI ने खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी कंपनियों से डिब्बा बंद फ्रूट जूस पर लगे लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के जूस के दावों को तुरंत हटाने को कहा है। साथ में इसने ये भी निर्देश दिया है कि कंपनियां मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल 1 सितंबर 2024 तक कर लें। FSSAI ने यह कदम एक सूचना मिलने के बाद उठाया जिसमें कहा गया है कि खाद्य कारोबारी मार्केटिंग में फलों के रसों का दावा गलत तरीके से कर रहे हैं। असल में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत डिब्बाबंद जूस में 100% फलों के रस होने का दावा किया जा सके। ऐसे सभी दावे भ्रामक हैं, क्योंकि फलों के रस का मूल कंपोनेंट पानी होता है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण देश भर में खाद्य सुरक्षा मानकों को रेगुलेट करने के साथ उसकी देखभाल भी करता है।
स्कूली शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। समझौते का मकसद है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना। इस फ्रेमवर्क के तहत आने वाले 2 से 3 सालों में 100 से ज्यादा भाषाओं में 10,000 से अधिक किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे देश के दूर दराज इलाके में लाइब्रेरी पहुंच की समस्या को दूर किया जाएगा। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है जहां विज्ञान, भाषा और कहानियों जैसे अनेक विषयों से जुड़ी किताबों के ई संस्करण PDF या फिर ऑडियो बुक्स के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी साल नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के उद्घाटन सत्र के दौरान इसे लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर वो सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा की जगह लेंगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का 8वें अध्यक्ष के रूप में 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। विजया भारती सयानी तेलंगाना उच्च न्यायालय में जुड़ी वकील हैं। इन्हें दिसंबर 2023 में आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये महिला उत्पीड़न और दहेज के मामलों के साथ साथ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से जुड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था है। अमेरिका के IBM सेंटर फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ने भारत के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की। इस बैठक में भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने CP ग्राम्स स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए एक आधार नाम से प्रेजेंटेशन पेश किया। इस दौरान सरकार ने अगले 2 सालों में लागू किए जाने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सहित CP ग्राम्स संस्करण 8.0 के लिए 128 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी। CP ग्राम्स यानी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, यह एक ऑनलाइन मंच है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा एकल पोर्टल है। यह नागरिकों को सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24/7 उपलब्ध रहता है। यह नागरिकों को अपील की सुविधा भी देता है। प्रियंका जारकीहोली आजादी के बाद अनारक्षित सीट से सांसद में प्रवेश करने वाली कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं और ये कर्नाटक के चिक्काकोड़ी के कांग्रेस की उम्मीदवार थीं। उन्होंने यह उपलब्धि भाजपा के मौजूदा सांसद अन्ना साहेब जोले को हराकर हासिल की है। उन्होंने अपने नाम कुछ और रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए हैं। वे कर्नाटक में अनारक्षित सीट से जीतने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला भी बन गई हैं। साथ ही वो सामान्य सीट से जीतने वाली आरक्षित समुदाय की दूसरी नेता भी बन गई हैं। पहले नेता का रिकॉर्ड कोट्टुरु हरियप्पा रंगनाथ के नाम पर दर्ज है जो साल 1984 से 1989 के दौरान चित्रदुर्ग से लोकसभा के सदस्य थे। चिक्ककोडी को 200-300 साल पहले चिक्ककोडी कहा जाता था। यह पान के पत्तों के लिए काफी फेमस है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली शांभवी चौधरी भारत की सबसे कम उम्र की लोकसभा सांसद बन गई हैं। शांभवी अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। आपको बता दें कि देश में लोकसभा सदस्य चुने जाने की न्यूनतम उम्र 25 साल तय की गई है। अब स्लोवेनिया ने भी फिलीपींस को देश के तौर पर मान्यता दे दी है। उसकी संसद ने इसके पक्ष में भारी मतदान किया। इसके पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 145 ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। इनमें से कई मध्य पूर्वी, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं, मगर इनमें अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल नहीं हैं। अल्जीरिया स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश है, जबकि 2014 में स्वीडन फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य बना। हालांकि इससे पहले फिलिस्तीन को 6 दूसरे यूरोपीय देशों, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया द्वारा ऐसी मान्यता दी जा चुकी है। फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है। इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का इस्तेमाल कर फिलिस्तीन के UN का पूर्ण सदस्य बनने के प्रयास को रोक दिया था। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र और कर्नाटक वन विभाग द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट शरावती वैली लायन टेल्ड मकाक सेंचुरी के जंगलों और इसके आसपास रहने वाले दिनचर वृक्षीय स्तनधारियों की स्थिति से जुड़ी है। रिपोर्ट में आसपास के क्षेत्र में लायन टेल्ड मकाक की आबादी 730 दर्ज की गई।
रिपोर्ट के मुताबिक शिकार, कृषि क्षेत्रों के विस्तार, डेवलपमेंट एक्टिविटीज और जलावन की लकड़ियां हासिल करने के कारण इसके आवास को नुकसान हुआ है। लॉयन टेल्ड मकाक का साइंटिफिक नाम मैकाका सिलेनस है। इसका नाम इसकी शेर जैसी लंबी, पतली और घनी पूंछ के कारण रखा गया है। यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों के वर्षा वनों में पाई जाती है। IUCN द्वारा इसे इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न घोषित किया गया है, जबकि इसे साइट्स के अपेंडिक्स 1 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। टेलीमानस के विशेष सेल को लॉन्च करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं। नए सेल का संचालन 2 साल की अवधि के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। इसके तहत सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी, साथ ही उनके परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को भी इनमें कवर किया जाएगा। टेलीमानस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा है। यह हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 24/7 टेलीमानस स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 46 टेलीमानस सेल काम कर रहे हैं। यह सुविधा 20 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। टेलीमानस हेल्पलाइन को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। आज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। IIT बॉम्बे एक बार फिर देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनकर उभरा। इसके बाद दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली को जगह मिली है। दोनों ही संस्थानों की वैश्विक स्तर पर रैंक पिछले साल के मुकाबले बेहतर हुई है। भारत के सिर्फ यही 2 उच्च शिक्षा संस्थान हैं जिन्हें इस रैंकिंग में टॉप 150 संस्थानों में जगह मिली है। IIT बॉम्बे को इनमें 118वीं रैंक मिली है, जो पिछले साल की 149वीं रैंक से 31 रैंक बेहतर है। इसी तरह IIT दिल्ली ने भी पिछले साल की 197वीं रैंक से 47 रैंक बेहतर होकर 150वीं रैंक हासिल की है। इस रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु 211वीं रैंक के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि IIT खड़गपुर ने चौथा स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वैश्विक स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने इस साल 13वीं बार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का स्थान बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन का इंपीरियल कॉलेज लंदन है। इसने इस बार अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 6 स्थान से 2 स्थान पर अपनी पहुंच हासिल की है। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को मिला है। QS यानी क्वाक्सवेरेली साइमंड्स उच्च शिक्षा से जुड़े विशेषण और सेवाएं मुहैया कराता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह हर साल विश्वविद्यालयों की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग जारी करता है। ताजा रैंकिंग के मुताबिक भारतीय हायर एजुकेशन सिस्टम दुनिया में 7वें स्थान पर है, जबकि एशिया में 3रे स्थान पर है। एशिया में यह केवल जापान और चीन से पीछे है। स्पेसएक्स के बाद अब बोइंग अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजने वाली दूसरी निजी कंपनी बन गई है। बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को लेकर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ है। Atlas V रॉकेट से लॉन्च इस मिशन के जरिए बोइंग कंपनी ने पहली बार स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स इस फ्लाइट टेस्ट मिशन के पायलट हैं, जबकि 61 वर्षीय विल्मोर मिशन के कमांडर हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो बोइंग के CST-100 स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाली पहली सदस्य बन गई हैं। साथ ही इस तरह के मिशन पर जाने वाली वे पहली महिला भी हैं। बोइंग का यह मिशन पहले कई बार प्रभावित हो चुका है। WHO ने दुनिया में बर्ड फ्लू से मौत के पहले मामले की पुष्टि की है। मरने वाला 59 वर्षीय इंसान मैक्सिको का निवासी था। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार स्ट्रेन वर्तमान में अमेरिका में जानवरों में फैलने वाले बर्ड फ्लू स्ट्रेन से अलग है। अमेरिका में इसी साल मार्च में डेयरी फार्म्स में 3 डेयरी कर्मचारियों में H5N1 स्ट्रेन का पता चला था, जबकि मैक्सिको में हुई मौत के लिए जिम्मेदार स्ट्रेन इसका सब टाइप H5N2 है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, जो एक वायरल इन्फेक्शन है। ये आमतौर पर पक्षियों से पक्षियों में फैलता है और ज़्यादातर पक्षियों के लिए जानलेवा भी होता है। ये वायरस पक्षियों की आंतों या श्वसन तंत्र पर हमला करता है और उन्हें बीमार कर देता है। कई मामलों में इससे पक्षियों की मौत भी हो जाती है। WHO के मुताबिक 1997 में हांगकांग में पहली बार किसी इंसान के इससे संक्रमित होने का मामला सामने आया था।
अखिल ओडिशा हाथी जनगणना 2024 के आंकड़े जारी किए गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब ओडिशा के 38 वन प्रमंडलों में हाथियों की कुल आबादी 2098 हो गई है। इससे ओडिशा में 2017 में दर्ज 1976 हाथियों में से 122 की मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई। ताज़ा जनगणना के मुताबिक राज्य के 13 वन प्रमंडलों में हाथियों की कोई आबादी नहीं पाई गई, जबकि सबसे ज़्यादा 239 हाथी ढेंकनाल वन प्रमंडल में पाए गए। वहीं सिमलीपाल उत्तर, सिमलीपाल दक्षिण, बालासोर, रायरंगपुर और कुछ दूसरे प्रभागों में इसकी आबादी में गिरावट भी देखी गई है। पिछली हाथी गणना 2017 में की गई थी। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ 6049 हाथी दर्ज हुए हैं। उसके बाद असम 5719 और केरल 3054 का स्थान है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड या CBIC ने व्यापार को आसान बनाने के लिए सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में शुल्कों की वापसी शुरू की है। ऐसा PFMS यानी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के जरिए ऑटोमेटिक रूप से किया गया है। इसका फायदा ये होगा कि इससे कम समय में राशि का भुगतान हो पाएगा और इसमें पारदर्शिता भी बढ़ जाएगी। CBIC का गठन 1964 में किया गया था। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आता है। इससे पहले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम से जाना जाता था। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST का संग्रहण और उसकी वसूली करता है। साथ ही यह इन करों के प्रशासन, तस्करी की रोकथाम और तय सीमा तक मादक पदार्थों की रोकथाम से संबंधित नीति बनाने से जुड़ा है। देहरादून में IIP यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में तीसरी इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस IAC का उद्घाटन किया गया। इसका विषय है ग्रीन ट्रांजिशंस में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका। इस 3 दिवसीय कांग्रेस सह प्रदर्शनी का आयोजन IIP और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनालिटिकल साइंटिस्ट द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस कांग्रेस का मकसद एनालिटिकल साइंस में कारोबारों, पेशेवरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को वर्तमान और उभरते समाधान और सुधारों को पेश करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। IIP वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR से जुड़ा एक संस्थान है। 1960 से तेल और गैस सेक्टर और इससे जुड़े कारोबारों के लिए नई तकनीक, उत्पाद और सेवाएं ये देता है। CSIR भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय है। यूक्रेन में संघर्ष को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस ने एक परमाणु पनडुब्बी सहित अपने 4 युद्धपोतों को अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा की ओर रवाना कर दिया है। इन युद्धपोतों में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी कजान के अलावा फ्रिगेट गोर्शको, पशिन और निकोलाई चिकर शामिल हैं। रूस के इस कदम को यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि क्यूबा के अधिकारियों ने इस कदम को रूस के साथ दोस्ताना संबंध बताया है और कहा है कि जहाज पर कोई परमाणु हथियार तैनात नहीं है। क्यूबा कैरेबियन सागर में उत्तरी कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी से घिरा एक द्वीपीय देश है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आधारित स्कैन एंड शेयर सर्विसेज के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा OPD रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर इस सेवा को अपनाने में सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश ने इसके जरिए सबसे ज्यादा 92.7 लाख टोकन तैयार किए हैं। आभा आधारित स्कैन एंड शेयर सर्विसेज अक्टूबर 2022 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई है। इसका मकसद स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उसकी एफिशिएंसी में सुधार लाना है। यह सेवा वर्तमान में भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 546 जिलों में लागू है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLATS फंड्स के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त को यह सुझाव देने का अधिकार नहीं है कि सांसदों द्वारा इस निधि का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पब्लिक अथॉरिटीज को मात्र सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराने की ताकत देता है। अदालत ने यह फैसला मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दायर एक केस में किया। दरअसल मुख्य सूचना आयुक्त ने पाया था कि कुछ सांसद चुनावों के दौरान फायदे हासिल करने के लिए अपने कार्यकाल के आखिरी साल के लिए अपने फंड को जानबूझकर जमा कर लेते हैं। लिहाजा अक्टूबर 2018 में मुख्य सूचना आयुक्त ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को एक आदेश दिया था कि फंड्स के इस दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए और 5 साल के कार्यकाल में हर साल के लिए समान फंड बांटने के दिशा निर्देश लागू किए जाने चाहिए।
ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आंतों में होने वाले सूजन का एक नया कारण खोजा है। वैज्ञानिकों को इंसान के डीएनए में एक ऐसा कमजोर पॉइंट मिला है जो इस बीमारी से पीड़ित 95% लोगों में मौजूद होता है। इससे कुछ इम्यून कोशिकाओं में गड़बड़ी और आंतों में ज्यादा सूजन पैदा करना बेहद आसान हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि इसका इलाज मौजूदा दवाओं से किया जा सकता है। आंतों में होने वाला सूजन एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसे IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज कहते हैं। इन्हें क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोग इसमें शामिल हैं। वर्तमान में ऐसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। दुनिया की तकरीबन 5% आबादी इससे प्रभावित है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। 2024 के लिए इसकी थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाद्य से जुड़े जोखिमों को रोकना, उसका पता लगाना और इससे जुड़े सहयोग को मजबूत करना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साझे प्रस्ताव के बाद लाया गया। पहली बार इसका आयोजन 7 जून 2019 को हुआ। यह दिन सतत विकास लक्ष्यों में शामिल स्वास्थ्य, भूख और सतत कृषि से जुड़े टारगेट्स को हासिल करने में खाद्य सुरक्षा की जरूरत पर जोर देता है। दुनिया में खाद्य सुरक्षा का मकसद सभी को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है।